गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से ये जो वीडियो है ये थोड़ी देर बाद आ रही है और काफ़ी गैप हो गया है सीरीज़ के बीच में। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा और मैं दोस्तों कोशिश ये करूँगा कि ये सीरीज़ जो जनवरी मार्च करंट अफेयर्स की है इसको जल्द से जल्द अपडेट कर दूँ बची हुई वीडियोज़ को, और फिर हम शुरू करेंगे अप्रैल टू जून की करंट अफेयर सीरीज़ को। तो आइए दोस्तों, आज हम शुरू कर लेते हैं पार्ट 14 में देख लेंगे इकोनॉमी एंड बिजनेस से रिलेटेड करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम 9 टॉपिक्स ऑलरेडी इकोनॉमी एंड बिजनेस से कवर कर चुके हैं। तो सेकंड पार्ट में हम बचे हुए टॉपिक्स देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने कोचू मैंगलुरु पाइपलाइन के बारे में जाना था, जो कि डेडिकेट की थी पीएम ने नेशन को, इस बार ही हम जानेंगे धोबी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन के बारे में। फिर हम जानेंगे टाटा मोटर्स के नए सीईओ और एमडी कौन बने हैं। आईआईपी के आंकड़े देखेंगे दिसंबर 2020 के, ये थोड़े पुराने लगेंगे आपको, लेकिन ये आपके इसके मेंस के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं इसके अंदर आपको एक ग्राफ भी दिखाऊंगा जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके मेंस या लॉन्ग आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम जानेंगे नेशनल कोल इंडेक्स के बारे में, इसका यूज़ क्या है, गवर्नमेंट ने क्यों इंट्रोड्यूस किया है इसे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल के बारे में जानेंगे जो अब एक्ट बन चुका है, मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी बिल के बारे में जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। फिर हम जानेंगे आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है पॉजिटिव पे मैकेनिज्म, ये क्या होता है, इससे क्या सेफगार्ड होगा, बैंकिंग सिस्टम के लिए कैसे अच्छा है और आपके लिए एज ए कंज्यूमर कैसे बेटर है, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। फिर हम मूडीज, एक जो रेटिंग एजेंसी है जो कि आप जानते हैं वर्ल्ड की बहुत फेमस रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने इंडिया की जो ग्रोथ है उसको 13.7 प्रोजेक्ट करा है ग्रोथ रेट को फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, इस न्यूज आइटम को देखेंगे। IDBI बैंक जो कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA फ्रेमवर्क है RBI का, उससे बाहर आ गया है, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है IDBI बैंक के लिए, इस न्यूज आइटम को देखेंगे। पावर ग्रिड ने एक ऐप लॉन्च किया है या एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं लॉन्च किया है प्रणीत, इस न्यूज आइटम को देखेंगे। फिर हम जानेंगे कुछ और न्यूज़ आइटम्स को, आर्क्रियोस सेल ऑफ हुआ था, ये लीमन मोमेंट कहा गया था हांगकॉन्ग की हिस्ट्री में, तो ये हुआ था फरवरी में, तो इस न्यूज़ आइटम को देखेंगे। TLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम करी गई है लॉन्च फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की, इसके बारे में जानेंगे। रेड राइस क्या होता है ये जानेंगे। मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है, ये देखेंगे इस न्यूज आइटम को। नया WTO का डायरेक्टर जनरल कौन बना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ही ईजिली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पर्सन बना है उस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये मैं आपको बताऊंगा कि कौन बना है। और लास्टली हम जानेंगे यूपी ने प्रेजेंट किया है फर्स्ट पेपरलेस बजट, तो यूपी बन गया है पहला स्टेट इंडिया का जिसने पेपरलेस बजट पेश किया है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं डिटेल में न्यूज़ आइटम्स को। तो पहले देख लेते हैं धोबी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन। तो पीएम ने डेडिकेट कर दिया है नेशन को हल्दिया LPG इंपोर्ट टर्मिनल एंड 348 किलोमीटर धोबी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन सेक्शन बाय गेल। तो ये गेल ने बनाया है, आपको ये याद रखना है। हल्दिया टर्मिनल आपको जैसे पता है एक हमारा पोर्ट है जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है कोलकाता के पास, तो वहाँ पे एक LNG इंपोर्ट टर्मिनल को लॉन्च किया है पीएम ने। और धोबी दुर्गापुर, दुर्गापुर जो है वेस्ट बंगाल में जगह है और धोबी जो है झारखंड में एक जगह है, वहाँ दोनों सिटीज़ को कनेक्ट करेगी ये पाइपलाइन, इसको एक लॉन्च कर दिया है। तो ये ओवरऑल जो है प्रधानमंत्री जो ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट है भारत का, उसके अंदर एक छोटा सा सेक्शन 350 किलोमीटर के अराउंड ये सेक्शन को खोला गया है और जिसको कि गेल ने बनाया है, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। फिर हम देख लेते हैं कि ये क्या है कि हल्दिया को जो है एक मेजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट टर्मिनल के रूप में भारत बनाएगा LPG के लिए, ठीक है। तो ये इसको प्रमोट करेगा और ये कुछ जो फर्टिलाइजर प्लांट हैं जो कि झारखंड में हैं जो कि बंद हो गए थे, उनको ये नेचुरल गैस प्रोवाइड करेगा और वो जो फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं वो दोबारा से चलने शुरू हो जाएंगे। और ये सिटी जो आपके घर में PNG आती है या फिर जो गाड़ियों को CNG मिलती है, सिटी गैस पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी जो इसके रूट पे आएंगी पाइपलाइन के सिटीज, उनको भी ये प्रोवाइड करेगा नेचुरल गैस। और पीएम ने, जैसे कि आपको पता ही है कि क्रूड ऑयल से, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से हमें मूव करने को कहा है गैस बेस्ड इकोनॉमी पे, तो गैस बेस्ड इकोनॉमी में पीएम की विजन है वन नेशन वन गैस ग्रिड, जो कि एक इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा हमारी फ्यूचर नीड्स को मीट करने के लिए, ठीक है। तो ये उसी दिशा में एक कदम है। और तो ये जो पीएम की पूर्वोदय विजन है जो कि ईस्ट इंडिया की ग्रोथ के ऊपर है,
ड्राइव करने के लिए उसकी तरफ एक स्टेप है। अब पूर्वोदय का मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, पूर्वोदय विजन जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है कि पूर्वोदय विजन किससे रिलेटेड है, कौन सी स्टेट से रिलेटेड है पीएम की विजन, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया आप बहुत इजीली आप मार्क करेंगे, जबकि ये सिर्फ ईस्ट इंडिया है। ईस्ट इंडिया की स्टेट्स कौन कौन सी हैं, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, जो कि मिनरल रिच स्टेट्स हैं फिर भी वो पुअर हैं अभी भी, तो उनको डेवलप करने के लिए ये जो पीएम ने विजन दी है पूर्वोदय विजन, उसके अंडर ये हेल्पफुल रहेगी ये गैस प्लांट। ठीक है, तो इसमें हमने तीन चार चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पूर्वोदय, वन नेशन वन गैस ग्रिड, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अगली न्यूज आइटम देख लेते हैं, टाटा मोटर अपॉइंट्स अ न्यू सीईओ एंड एमडी। तो मार्क लिस्टोस्टेला हैज बीन अपॉइंटेड एज द रोल ऑफ सीईओ एंड एमडी ऑफ टाटा मोटर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। तो ये मार्क लिस्टोस्टेला है, नाम याद रखना है, वन वर्ड में कहीं पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको इनकॉर्पोरेट किया है इस वीडियो में। अगली न्यूज आइटम देखते हैं, आईएपी फॉर डिसंबर 2020। अब इसमें फिगर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इस ग्राफ को देखिए, आप एक ग्राफ का अगर एक ओवरव्यू भी आप अगर इसने आपने बना दिया अपने मेंस में लॉन्ग आंसर में, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स 2 या 3 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये आईआईपी के ग्रोथ रेट का एक ग्राफ है जो दिसंबर 2019 से दिसंबर 2020 के बीच में ग्रोथ रेट रही है आईआईपी के, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है। आप कौन कौन सी 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं ये मैं आपको जुलाई 2020 के वीडियोस में डिटेल में समझा चुका हूँ, वो आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर जाके क्लियरली देख सकते हैं कि कौन कौन सी आईआईपी की 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं और आईआईपी होता क्या है, उसमें डिटेल में समझ सकते हैं। तो ये ग्रोथ रेट प्लॉट है, ये वी शेप्ड जो है रिकवरी, ये आप इसमें दिखा सकते हैं, ये बना सकते हैं, इस ग्राफ को याद कर सकते हैं। वैसे दिसंबर में फिगर क्या रही थी, 133.8। अब यह इंडेक्स होता है और इसमें बेस ईयर होता है और इसका बेस ईयर जो भी है उसको 100 मान लिया जाता है। ठीक है, और उसके कंपैरिजन में दिसंबर 2020 में रहा 133.8, जो कि डिक्लाइन रहा यानी नेगेटिव 1.3% एज कम्पेयर टू दिसंबर 2019। ठीक है, तो ये आपको बस इसमें से यही याद रखना है और डिटेल में समझना है तो आप इसको जुलाई 2020 की वीडियो में जाके देख सकते हैं। नेशनल कोल इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज स्टार्टेड कमर्शियल ऑक्शन ऑफ कोल माइंस ऑन रेवेन्यू शेयर बेसिस। तो दोस्तों इसमें आपको समझने वाली बात क्या है कि पहले जो होता था, जो ऑक्शन होती थी कोल माइंस की, उसमें ये होता था कि जिस भी कंपनी को कोल माइन की ऑक्शन जीतती थी उसको प्रॉफिट शेयर करना होता था गवर्नमेंट के साथ। तो प्रॉफिट शेयर बेसिस होती थी कि उस माइन से जो कंपनी है जितना प्रॉफिट कमाएगी उसका शेयर गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करती थी, कुछ उसमें विंडो ड्रेसिंग करके या कुछ भी तरीके से बैलेंस शीट्स को मैनेज करके प्रॉफिट कम दिखा के गवर्नमेंट का शेयर कम हो जाता था। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है, अब हम प्रॉफिट शेयर के बेसिस पे ना करके रेवेन्यू शेयर पे करेंगे। रेवेन्यू शेयर मतलब कि जितना आप उसमें से कोल बेच के जितना भी पैसा आएगा, आप प्रॉफिट जितना मर्जी कमाएंगे, वो आप अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी जितनी मर्जी कीजिए, हमें उससे मतलब नहीं है, हम रेवेन्यू का कुछ हिस्सा ले लेंगे, प्रॉफिट का नहीं लेंगे, रेवेन्यू का हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो रेवेन्यू क्या होता है, टोटल आपने आउटपुट कितना निकाला कोल का मल्टीप्लाइड बाय कोल का प्राइस क्या है इन द मार्केट। तो आउटपुट तो आपको पता चल जाएगा कि वहां से कितना निकाला गया माइन से, अब प्राइस कैसे पता चलेगा कि मार्केट प्राइस क्या है कोल का, तो उस मार्केट प्राइस को डिटरमिन करने के लिए ये नेशनल कोल इंडेक्स को बनाया गया था कि मार्केट प्राइस क्या होगा एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर कोल का क्या रहा कि ये रेवेन्यू शेयर निकाल सके गवर्नमेंट। तो इसीलिए ये नेशनल कोल इंडेक्स बनाया गया। अब जैसे कि पता है आपको इंडेक्स क्या होता है, एक बेस ईयर माना जाता है कि बेस ईयर में प्राइस रहा 100 और उसके कंपैरिजन में 100 के कंपैरिजन में अब कितना है। सपोज कीजिए टू इसके केस में क्या है कि बेस ईयर है नेशनल कोल इंडेक्स का फाइनेंशियल ईयर 2017-2018, तो उस समय 100 रखा गया प्राइस उसका और अब क्या है सपोज करो 110 हो गया इस साल, तो यानी 10% इंक्रीज हो गया। तो बेस ईयर में जो प्राइस मान लिया हमने कोल का 100 माना और प्रेजेंटली 110 हो गया, तो जो करंट कोल इंडेक्स होगा वो 110 होगा। ठीक है, तो ये इंडेक्स को हमने बेस ईयर के कंपैरिजन में कैलकुलेट करते हैं जिससे कि प्राइस हम पता चल सके कि प्रेजेंटली कितना है कोल का। ठीक, इसमें और जानने वाली क्या बात है और इंपॉर्टेंट, कि जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो प्राइजेज ऑफ कोल हैं सारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितने भी मार्केट में आ रहे हैं वो ये कंसिडर करता है कोल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, और इसको 2020 में लॉन्च किया गया था। अब इसके अंदर 5 सब इंडेक्सेस हैं, कोल अलग अलग क्वालिटी का होता है आपको पता ही होगा, तो उसकी क्वालिटी के हिसाब से 5 सब इंडेक्स हैं।
तीन नॉन कोकिंग कोल के हैं और दो कोकिंग कोल के हैं। तो जिस प्रकार का कोल किसी माइन से निकलता है उस सब इंडेक्स का प्राइस हम लेके उस प्राइस इंडेक्स से हिसाब से उस कोल का प्राइस निकाल लेते हैं और उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू का शेयर निकल जाता है। तो बेसिकली ये कोल प्राइस इंडेक्स जो है, ये कोल इंडेक्स जो है, नेशनल कोल इंडेक्स, ये गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया कि वो अपना शेयर निकाल सके कि कितना उसे एक कोल माइन से मिलना चाहिए हर मंथ डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट प्राइस ऑफ द कोल इन दैट पर्टिकुलर मंथ। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा, बहुत ही आसान है ये। अब आ जाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे इस वीडियो के, मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज बिल 2020। ठीक है, तो मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर, उनके लिए कुछ एक बिल पास कराया गया है पार्लियामेंट में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में 13 मेजर पोर्ट्स हैं और कुछ माइनर पोर्ट्स हैं। माइनर पोर्ट्स काफ़ी सारे हैं और मेजर पोर्ट्स सिर्फ 13 हैं। कौन कौन से आप पिक्चर में देख सकते हैं, गुजरात से शुरू करते हैं, कांदला, फिर मुंबई, फिर JNPT, मार्मुगुआ, न्यू मैंगलोर, कोचिन, टूटीकॉरन, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता एंड पोर्ट ब्लेयर। तो ये 13 पोर्ट हैं इंडिया में और इसमें से एन्नौर को छोड़ के 12 जो पोर्ट हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है और एन्नौर जो है वो प्राइवेटली कंट्रोल्ड है। तो गवर्नमेंट कंट्रोल की वजह से क्या होता है, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होती है इसके अंदर। ठीक है, तो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग की वजह से क्या होता है, पोर्ट जो है अपनी जरूरतों के अनुसार डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है वो अपने हिसाब से डिसीजन लेती है इनके जो कैसे चलाना है, इनका क्या टैरिफ होना चाहिए, तो इंडिविजुअल इनकी ज़रूरतों के हिसाब से डिसीजन नहीं लिए जाते थे। ठीक है, तो इसको ओवरकम करने के लिए ये बिल लाया गया है कि डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग करी जाए, कि इन पोर्ट्स की जो मैनेजमेंट है, जो बोर्ड है उन पोर्ट्स का, उनको कुछ अथॉरिटीज दी जाए कि वो अपने डिसीजन ले सके खुद से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपना मास्टर प्लान बना सकें और उसी हिसाब से अपना टैरिफ फिक्स कर सकें और अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी के हिसाब से कि कितना उनको टैरिफ लेना चाहिए वो, जिससे कि कॉम्पिटिटिव हो सके इंटरनेशनल मार्केट में भी। तो टू इन्फ्यूज प्रोफेशनलिज्म, डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग इस बिल के द्वारा इनकॉर्पोरेट की गई है इन 12 पोर्ट्स के लिए। ठीक है, तो ये इसका मेन एम है, मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज बिल 2020 का। तो श्री मनसुख मांडविया, इन्होंने ये उस समय मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज थे, जिन्होंने राज्यसभा में पेश किया था बिल और ये पास कराया था। अब मनसुख मांडविया कौन है, किस कौन से पोर्टफोलियो को ये हैंडल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं। ठीक है, अब इसमें से और जानने वाली बात क्या है, इट विल ब्रिंग हेल्प ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज हो जाएगी और ग्रेटर एफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वो, और ऑटोनॉमी मिल जाएगी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वो अपने मास्टर प्लान बना पाएंगे, अपने हिसाब से वो खर्चा कर पाएंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना लगाना है हमें, किस इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाना है, कौन सी मशीनें लगानी है हमें पोर्ट्स में, तो ये सारा अपने हिसाब से वो डिसाइड कर पाएंगे इंडिविजुअल पोर्ट्स। तो ग्रेटर एफिशिएंसी होगी और फुल ऑटोनॉमी मिल जाएगी। अब कुछ सेलेंट फीचर्स भी हैं, फटाफट से देख लेते हैं, याद करने की आपको सारी जरूरत नहीं है। तो पहले ये, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग चलते थे, जिसके अंदर सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होती थी, क्योंकि जो पोर्ट्स आते हैं वो यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर के अंडर यानी आते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड इसमें सबसे पहले तो कहा गया कि जो बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बोर्ड मैनेजमेंट समझ लीजिए आप जो पोर्ट की है, वो पहले 1719 मेंबर होते थे, अब सिर्फ 11 से 13 मेंबर रह जाएंगे उसके अंदर। तीसरी चीज, जो टैरिफ अथॉरिटी है जो डिसाइड करती थी टैरिफ पोर्ट्स की, उसका रोल डिफाइन करा गया है, एक एडजुडिकेटरी बोर्ड बनाया गया है जो डिस्प्यूट सेटल करेगा पोर्ट्स और PPP कंसेशनरीज के बीच में, यानी प्राइवेट पार्टीज के बीच में और पोर्ट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए एक एडजुडिकेटरी बोर्ड बनाया गया है और बोर्ड्स को अथॉरिटी फुल दे दी गई है टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, प्लानिंग करने के लिए, अपने टैरिफ्स करने के लिए, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी। इनको छोड़ के बाकी सब केसेस में पोर्ट्स अपने आप, जो उनके बोर्ड्स हैं, वो अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट, प्लानिंग और डेवलपमेंट कर पाएंगे। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया। और लास्ट में पोर्ट जो है वो अपने हिसाब से मास्टर प्लान बना पाएगा और अपने आप अपनी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाएगा। तो बेसिकली इसका मेजर एम क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड ब्रिंगिंग ग्रेटर एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन पोर्ट मैनेजमेंट। मेजर पोर्ट्स के लिए है ये, सिर्फ ये ध्यान रखना है आपको, जो कि 12 पोर्ट्स रहे जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में है। अब देख लेते हैं अगली न्यूज में, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। तो 1 जनवरी 2021 को RBI ने पॉजिटिव पे
mechanism introduced कर दिया, किस लिए? For check transactions of 50,000 and above in a bid to enhance safety and eliminate frauds. तो जो 50,000 से ऊपर के value के check हैं, उनके अंदर ये safety के लिए eliminate कर, frauds को eliminate करने के लिए ये करा जाएगा। अभी ये mechanism है क्या? सबसे पहली चीज़ आपको क्या पता चली? Positive mechanism किसके लिए? Banking sector के लिए है, और ये checks के लिए, जो आप check issue करते हैं, उनके लिए है। तो ये question पूछा जा सकता है single word में। दूसरी चीज इसमें होगा क्या कि इट विल बी रीकन्फर्मिंग। सिंपली जो लार्ज वैल्यू के चेक होंगे, जो 50,000 से बड़े हैं, जो अभी 50,000 कह रहे हैं, इसको बाद में 5,00,000 कर दिया जाएगा शायद, तो इनके अंदर आपसे रीकन्फर्म करा जाएगा, बैंक आपसे रीकन्फर्म करेगा इशूइंग बैंक कि ये चेक आपने इशू करा है, इस बंदे को इशू करा है, इस डेट का चेक है कि नहीं। आपको या तो बैंक फोन करेगा, या फिर क्या कर सकता है, आपसे एक ऐप में कन्फर्मेशन ले लेगा, या SMS कह देगा कि आप SMS करो हमें यस या नो, आपने इशू करा है नहीं करा, या ऐप पे कहेगा कि ओके करो कि आपने चेक इशू करा है कि नहीं करा। तो ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता है CTS। ये CTS 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था RBI द्वारा। इसके अंदर क्या होता है कि बैंक जो होता है चेक की कॉपी जाती है, फोटोकॉपी, दूसरे बैंक पे, और फिर बैंक उसको कंफर्म करता है। तो इस सिस्टम के अंदर अगर कोई फ्लॉ होगा, अगर आप कह देंगे नहीं मैंने नहीं इशू करा है, तो चेक वहीं पे वहीं रुक जाएगा, तो फ्रॉड उस समय पकड़े जाएंगे। तो बेसिकली आपको इसमें यह ज़्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, इसमें ये समझना है कि अगर कोई फ्रॉड होगा तो आपसे बैंक रीकन्फर्म करेगा, अगर आप मना कर देंगे जी मैंने नहीं करा ये इशू, गलत है ये चेक, तो वहीं का वहीं बैंक उसमें फ्लैग कर देगा CTS को कि ये कस्टमर ने इशू नहीं करा है, और पेमेंट रुक जाएगी। तो ये बेसिकली चेक्स के लिए है, और अभी इसको मैंडेटरी नहीं किया गया है, ये बाद में इसको मैंडेटरी करा जाएगा, अभी तो सिर्फ ये वॉलंटरी है। और इसको डेवलप कौन करेगा ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, NPCI करेगी, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विल डेवलप द फैसिलिटी ऑफ पॉजिटिव पे इन CTS। तो ये दो तीन चीज़ आपको याद रखनी है कि सबसे पहले तो बैंकिंग से रिलेटेड है, चेक से रिलेटेड है, 50,000 से ऊपर के हाई वैल्यू चेक्स होंगे, फिर अभी इसे 5,00,000 से ऊपर कर दिया जाएगा, और ये NPCI जो है ये इसको इंट्रोड्यूस करेगी इन CTS चेक ट्रंकेशन सिस्टम के। आई होप ये क्लियर होगा, बहुत आसान है। मूडीज जो है ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, इन्होंने प्रेडिक्ट की है 13.7 फॉर द फिस्कल ईयर 2021 इंडिया की ग्रोथ रेट, ठीक है। तो प्रीवियस एस्टिमेट 10.8 था, उससे हाई प्रेडिक्ट की है, और करंट जो पिछला फिस्कल ईयर गया है उसमें भी इन्होंने इम्प्रूव करी थी, पहले ये कहते हैं इंडिया की कॉन्ट्रैक्शन रहेगी 10.6, अब ये कहा है कि इनकी इंडिया की रहेगी 7%, तो उसमें भी पिछले साल की भी जो प्रोजेक्शन थी उसमें भी इम्प्रूवमेंट इन्होंने कहा है होगी। IMF ने कहा है कि इंडिया की ग्रोथ रेट रहने वाली है 11.5% फॉर द फिस्कल ईयर 2022, और इंडिया रहने वाली है फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और ये चाइना से भी ज़्यादा हम ग्रो करने वाले हैं करंट फिस्कल ईयर में। IDBI आउट ऑफ PCA, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। IDBI बैंक जो है, प्राइवेट बैंक जो है, ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है, ये एक RBI का फ्रेमवर्क था जिसके अंदर की जो बैंक जो थे वो डिफॉल्ट ज़्यादा कर रहे थे, जिनके NPA बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जो लोन डिफॉल्ट होने लगे थे, उनके लिए उन्होंने निकाला था कि वो फर्दर लेंडिंग नहीं कर पाएंगे RBI से पूछे बिना, जो बड़े टिकट लोन है वो नहीं दे पाएंगे RBI से पूछे बिना, तो उनसे ये बाहर आ गया है। इन्होंने जो दिसंबर में अपने नंबर्स पब्लिश करते हैं दिसंबर 2020 को, 31 दिसंबर के, वो नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे इनके, उसके अंदर इनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं रेगुलेटरी कैपिटल की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, लेवरेज रेशियो की, वो सब अच्छे रहे, जो कि PCA की मिनिमम रिक्वायरमेंट से ऊपर थे। तो इसी वजह से ये बैंक PCA फ्रेमवर्क से बाहर आ गया है, और ये 2017 के बाद पहली बारी ये बैंक PCA फ्रेमवर्क से बाहर आया है, क्योंकि इन्होंने अपने नंबर्स में इम्प्रूवमेंट पेश की थी। अगली न्यूज़ आइटम देखते हैं फटाफट से, आर्किजॉस सेल ऑफ इन हांगकांग। तो आर्किजॉस क्या है? एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट फर्म है जो कि न्यूयॉर्क में बेस्ड है, लेकिन इन्होंने क्या करा, $20 बिलियन के जो थे इन्होंने कंपनी इन्वेस्टमेंट शेयर पकड़ रखे थे, ये बेच दिए एकदम एक ही दिन में। तो $20 बिलियन के शेयर बेचे इन्होंने हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में, और वो हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में जिन जिन कंपनियों के इन्होंने शेयर बेचे वो एकदम से शेयर गिर गए, मार्केट क्रैश कर गई हांगकांग की। और ये कहा गया कि इट विल बी अ लीमन ब्रदर मूवमेंट, कि लीमन ब्रदर जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक जो था उन्होंने जो कलैप्स करा था USA में 2008 के दौरान, जो डोमिनो इफेक्ट आया था, तो ये कहा गया था कि इट माइट टर्न आउट टू बी अ लीमन ब्रदर मूवमेंट इन एक वर्ल्ड इकोनॉमी, की डोमिनो इफेक्ट होगा, क्योंकि जिन जिन कंपनीज ने जैसे क्रेडिट सूजी और नोमोरा, ये वर्ल्ड की बड़े बड़े बैंक्स हैं, जिन जिन के लोन्स इन्होंने दे रखे हैं वो भी डिफॉल्ट करेंगी कंपनियां, तो ये भी क्रैश हो सकता है, वर्ल्ड इकोनॉमी में इम्पैक्ट आ सकता है। पर हालांकि ये जो कंपनी थी इनको बचा लिया गया, और अगले दिन से मार्केट जो है वो स्टेबल कर ली गई हांगकांग की, और इस वजह से वर्ल्ड मार्केट पे डोमिनो इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये एक न्यूज़ आई थी आर्किजॉस सेल ऑफ, तो ये इसलिए मैंने इंक्लूड किया।
पावर ग्रिड ब्रांचेस प्रणीत। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे कि आप जानते हैं ये एक PSU है, इन्होंने एक ई टेंडरिंग पोर्टल बनाया है प्रणीत के नाम से। तो यही क्वेश्चन आएगा इसमें सिंपल कि प्रणीत जो ई टेंडरिंग सॉफ्टवेयर है वो किसने बनाया है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। और इससे होगा क्या, पेपर वर्क कम हो जाएगा और ट्रांसपेरेंट हो जाएगी प्रोसेसिंग, जो टेंडर प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगली न्यूज देख लेते हैं, कैबिनेट अप्रूव्स PLI फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो कैबिनेट हैज अप्रूव 10,900 करोड़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, और इसका एम क्या है, फॉर हेल्पिंग फार्मर्स अर्न बेटर प्राइसेस एंड रिड्यूस कॉस्ट वेस्टेज। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है जैसे कि टोमेटो से केचप बनाना, आलू के चिप्स बनाना, वीट से आटा बनाना, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम बनाई गई है जो कि अप्रूव कर दी है कैबिनेट ने ऐसी स्कीम्स को प्रमोट करने के लिए। यानी लोन्स देंगे ऐसे कुछ कंपनीज को या MSMEs को जो कि ऐसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सेटअप की जाएंगी, और ये 2026-27 तक रन की जाएगी और 10,900 करोड़ दिए जाएंगे इसके अंदर, और 2.5 लाख कहा गया है कि पीपल को इसके अंदर जॉब्स मिलेंगी और ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे हमारे इंडिया के अंदर। और इसके अंदर फूड वर्थ 33,000 करोड़ इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होगा, आउटपुट इसके अंदर इतना आएगा। इसमें फिगर्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रख लीजिए PLI जो है फूड सेक्टर में 10,900 करोड़ की गई है 2026-27 तक। रेड राइस की एक न्यूज आई थी, रेड राइस देख लेते हैं होता क्या है। फर्स्ट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट ऑफ रेड राइस फ्रॉम असम टू USA फ्लैग्ड ऑफ। तो ये रेड राइस होता क्या है, इट इज आयरन रिच। तो आयरन रिच होता है इसलिए वैसे ये लाल रंग का होता है, तो इसीलिए इसको रेड राइस कहा जाता है। इट इज ग्रोन इन ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम विदाउट यूज ऑफ एनी केमिकल फर्टिलाइजर। तो ये आयरन रिच होता है और इसमें कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं होता, और ये कहाँ पे उगता है, ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम, और इसको कहा भी जाता है भावधन के नाम से इसको जाना जाता है असम के अंदर, और ये असम की इंटेग्रल फूड डाइट का पार्ट है। और इससे क्या होता है, वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को सपोर्ट मिलती है क्योंकि एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि आयरन रिच होता है तो फूड सप्लीमेंट का भी काम करता है ये बाहर के देशों में जो लोग खाते हैं। मेरा राशन मोबाइल ऐप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी ऐप को लॉन्च किया गया है, तो वो है मेरा राशन मोबाइल ऐप। अब ये है क्या, मैं समझा देता हूँ आपको। तो जो इसके अंदर क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लॉन्च की गई थी 2019 के अंदर, जिसके अंदर की अभी तक 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ऑलरेडी साइन अप कर चुकी हैं, और अब दिल्ली ने भी कर लिया है इसके अंदर, दिल्ली आप हटा सकते हैं, दिल्ली भी इंक्लूड हो गई है। तो इसका एम क्या है कि जो आप कहीं के भी राशन कार्ड होल्डर हो, अगर आप बाहर जॉब कर रहे हैं किसी और स्टेट के अंदर, तो आप उस राशन कार्ड से उस स्टेट में जाके भी आप अपना राशन ले सकते हैं। तो इंडिया में आप कहीं पे भी रह रहे हो, कहीं का भी राशन कार्ड हो, आप कहीं से भी अपना किसी भी फेयर प्राइस शॉप से जाके इंडिया में कहीं पे भी राशन ले सकते हैं। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में जो लॉन्च किया गया था, जिसमें आपको फूड गारंटी दी गई थी, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है सेंटर द्वारा, ठीक है। अब ये आपको मैं इसका वो लेआउट दिखा देता हूँ, इस ऐप में आप कर क्या कह सकते हैं, इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी एंटाइटलमेंट जान सकते हैं कि आपको कितना मिलेगा राशन हर महीने, अभी अपनी नियरेस्ट राशन शॉप जान सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सी स्टेट्स हैं इसमें वो जान सकते हैं, आपकी ट्रांजेक्शन आपने कौन कौन सी करी है पिछले महीने में वो देख सकते हैं, लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं, अपने आधार से सीट कर सकते हैं इसके अंदर, सजेशंस दे सकते हैं, और ये हिंदी में भी है, अपनी लैंग्वेजेस में भी अपने आप देख सकते हैं। तो ये एक ऐप लॉन्च की गई है मेरा राशन मोबाइल ऐप, तो ये आपको नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐप लॉन्च की गई है अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम टू इंप्लीमेंट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो मेरा राशन मोबाइल ऐप। न्यू WTO डायरेक्टर जनरल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये नाइजीरिया की है सबसे पहले तो आपको याद रखना है, और उनका नाम क्या है, नाइजीरियास नगोजी ओकोंजो इवेला। तो ये आपको नाम बहुत इजीली पूछा जाएगा, बहुत इजीली क्वेश्चन में आएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नई डायरेक्टर जनरल कौन है, नाइजीरियास नगोजी ओकोंजो इवेला अपॉइंटेड एज द 7th WTO डायरेक्टर जनरल। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज शी इज द फर्स्ट वुमेन एंड द फर्स्ट अफ्रीकन टू हेड द मल्टीलेटरल ट्रेड बॉडी। तो ये पहली वुमेन है और पहली अफ्रीकन है जो कि इसकी हेड बनी है WTO की, और एक 2021 से 2025 तक हेड रहने वाली हैं। तो इनका नाम क्या है दोबारा से बता देता हूँ, नगोजी ओकोंजो इवेला, और ये हैं क्या, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ नाइजीरिया एंड वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में आपसे जरूर पूछा जाएगा, लिख लीजिए 100% है ये, ठीक है। अब देख लेते हैं आज की लास्ट न्यूज़। तो आपको जैसे कि पता है यूनियन ने यानी सेंटर ने अपना जो इस बार इस साल बजट पेश किया था वो पेपरलेस बजट था, जो कि एक लैपटॉप से एक टैब से पढ़ा गया था निर्मला सीतारामन जी द्वारा। तो यूपी ने फॉलो करते हुए इसको यूपी बन गया इंडिया की फर्स्ट स्टेट जिन्होंने की पेपरलेस बजट पेश किया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहली स्टेट इंडिया में कौन बना टू प्रेजेंट द पेपरलेस बजट, तो इट विल बी उत्तर प्रदेश, और इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कौन है, सुरेश खन्ना जी, जिन्होंने ये बजट प्रेजेंट किया था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें कि हमने वर्ल्ड इकोनॉमी एंड बिजनेस से रिलेटेड करंट अफेयर्स को जाना था। अब हम दोस्तों ये वीडियो में कवर करने वाले हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो यहाँ तक देखा ही है तो पसंद तो ज़रूर आया होगा, तो एक लाइक भी कर दीजिए, एज वो ही हमारा एक रिवॉर्ड है। दोस्तों हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।